हाय फ्रेंड्स, मैं किरण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है टेक्निकल स्वराज। गाइस, हम यहां पे एक न्यू नोटिफिकेशन लेके आए हैं और ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है गाइस, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड की तरफ से हो रही है। यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं उम्र सीमा के बारे में। अगर आपकी उम्र 21 ईयर्स है और कम से कम 37 ईयर है तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। और बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको किसी प्रकार की जो एग्ज़ाम फ़ी है वो देनी नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फॉर्म को आवेदन कर सकते हो। अंतिम डेट की यहाँ पे बात करते हैं 8/5/2019 है, तो जितना जल्दी हो सके आपको बस क्या करना है, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मतलब इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बैचलर डिग्री इन लॉ से किए हो तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो भारी संख्या के ऊपर यहाँ पे भर्ती हो रही है। ठीक है, तो आपकी जॉब लोकेशन गाइस, जैसे मैंने आपको बताया ये रिक्रूटमेंट पंजाब में हो रही है, तो आपकी जॉब लोकेशन पंजाब में होगी। ठीक है, तो इसमें सभी भारतीय के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही सरकारी विभागों में कहीं पर भी भर्ती होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं और उसके साथ आपको जो बेल आइकॉन है, घंटा है, उसको आपको हल्के हाथों से प्रेस करना है। तो आज की जो रिक्रूटमेंट हो रही गाइस, ये पंजाब सर्विस में हो रही, मतलब पंजाब सिविल जज के द्वारा हो रही है। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करते हैं, अप्रैल में ऑलरेडी ये फॉर्म चालू हो चुके हैं। अंतिम डेट की बात करते हैं तो 8/5/2019 इसकी अंतिम डेट है। अभी यहाँ पर बात करते हैं जो लास्ट डेट है, ठीक है, तो बल्कि आपको यहाँ पे 15 तारीख इन्होंने बताई है, पर आपको यहाँ पे किसी प्रकार की एग्जाम फी देनी नहीं है। ये जो फॉर्म है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन करना है, तो आप मान के चलो 8/5 जो है, मतलब 8 तारीख, ठीक है, 8 मई के पहले आपको आवेदन करना है। ठीक है, और जो ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इसमें बताया है कि आपको जो पोस्ट मिल रही है यहाँ पे 75 पोस्ट मिल रही है। ठीक है, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको जैसे क्वालिफिकेशन बताया, पोस्ट का अगर यहाँ पे बात करते हैं, नाम बात करते हैं, तो सिविल जज जूनियर डिविजन की पोस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इतना अच्छा आपको मौका मिल रहा है, तो आपको गवाना नहीं है। तो गाइस, ये शॉर्ट में इन्होंने बताया था, ये नोटिफिकेशन छपवाया था, तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड की तरफ से आया है। तो जय, मतलब जो मैंने आपको बताया है तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपकी जो एग्जाम होगी वो प्रीलिम्स होगी, सेकंड जो होगी मेंस एग्जाम होगी, और थर्ड जो होगी वो वाइवा होगा। अभी आप बोलोगे सर ये वाइवा क्या होता है, वाइवा मीन्स आपका मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब जिस प्रकार इंटरव्यू होता है उसी प्रकार इसको वाइवा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो पोस्ट मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे जो जेंडर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको 34 पोस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कैटेगरी के वाइज डिवाइड करके रखे, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, अभी जैसे मैंने एज लिमिट के बारे में बताया था, SC ST को जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है इसमें, और जो OBC के कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो इतना अच्छा आपको मौका मिल रहा है, तो आपको गवाना नहीं है। तो आवेदन करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर यहाँ पे आपको आनी है सबसे पहले, फिर आपको यहाँ पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड का इस प्रकार का इंटरफेरेंस मिलेगा। तो गाइस, आपको यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अप्लाई फॉर द पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको इस प्रकार का एडवर्टाइज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई और व्यू करके ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये आगे लेके जाएगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो आपको जो लास्ट ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। अभी एक ही पोस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है, तो बस आपको यहाँ पे एक पोस्ट सिलेक्ट करना है। अगर आपने पहले कभी ये एग्जाम दी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। अगर आपने नहीं दिए तो गाइस आपको यहाँ पे 0 डालना है। फिर आपका जो नाम होगा गाइस, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो मैं जैसे आप जैसे देख पा रहे हो, मैंने खुद का नाम यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फादर्स नेम फिल कर देता हूँ। फिर यहाँ पे जो मदर्स नेम है वो ये मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ पे डालनी है।
तो इसी प्रकार ये जो आपका फॉर्म है ये पूरी तरीके से फिल करना है बहुत अच्छे से, गलतियां नहीं करनी है। अगर आप गलतियां करते तो ध्यान में रखो गाइस, क्योंकि बाद में आपका जो फॉर्म है एडिट नहीं किया जा सकता, तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जैसे आप मैट्रिक हो तो मैट्रिक के बारे में आपको यहाँ पे देना है, फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जब मैंने आपको बताया था ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन आपको यहाँ पे लिखना है, फिर आपने किस में ग्रेजुएशन किया है तो वो आपको यहाँ पे सारे जो जानकारी है बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो डिग्री किस में किया आपने, जैसे मैंने आपको बताया था बैचलर ऑफ लॉ में अगर आपने की है तो ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोड लेगा। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, तो मैंने मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ ये लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है ताकि आप आसानी तरीके से आप अपना खुद का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसके साथ मैंने आपको ये नोटिफिकेशन है इसके बारे में भी आपको PDF दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे सीधा पूछ सकते हो। ठीक है, और आपने जो फ्रेंड सर्कल होगा मतलब जिन्होंने मतलब ग्रेजुएशन किया है लॉ से, तो आप उन्हें फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, और गाइस मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।